हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम आपको दिखाएंगे अंबेडकर पार्क। सुबह सुबह हम लोग निकले थे लेकिन सवारी नहीं मिली, कोई ऑटो वाला नहीं मिला, तो हम लोग ट्रैक्टर पे ही बैठ गए हैं। दोस्तों देखिए कितना मज़ेदार है। ये देखिए दोस्तों, सामने फुहारा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये अंबेडकर पार्क में घुसते ही आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अपने तरफ आकर्षित करता है दोस्तों ये दृश्य। दोस्तों इसका खुलने का टाइम सुबह 11 बजे से रात में 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों इस पार्क में फ्रेंड्स आपको एक भी पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, ये बिना पेड़ पौधे के ही बनाया गया दोस्तों इस पार्क में। दोस्तों ये सामने झरना है जो कि बहुत अपने तरफ आकर्षित करता है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं टिकट लेने। ये सामने रहा टिकट घर, यहाँ पे टिकट आपको 15 रुपये पर पर्सन लगता है। दोस्तों हम दोस्तों यहाँ से टिकट हम लोग ले लिए हैं। देखिए मेरा रहा ये टिकट, सामने हम लोग टिकट दोस्तों ले लिए हैं। अब हम चलेंगे दोस्तों इस पार्क के अंदर, जो कि बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस पार्क की बहुत ही देख रेख की जाती है दोस्तों, बहुत ही इसका स्वच्छ रखा जाता है इसमें। ये सामने देखिए पोछा लग रहा है दोस्तों पार्क में, यहाँ रोज़ सुबह पोछा लगता है टाइम टू टाइम, इसलिए ये पार्क देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों फ्रेंड्स हम एंट्री गेट से एंट्री ले लिए हैं। अब आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत दृश्य, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह पार्क गोमती नगर में करीब 107 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है फ्रेंड्स। इस स्थान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तो है ही, साथ ही यहाँ ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरुजी, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज और काशीराम जैसे महान व्यक्तियों की प्रतिमा भी बनाई गई हैं। इस पार्क को 700 करोड़ रुपए की लागत से भाजपा मुख्यमंत्री मायावती जी के शासनकाल में बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क के केंद्र में अंबेडकर स्तूप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, प्रतिबिंब स्थल और मेमोरियल दृश्य भी बनाया गया है। इस पार्क का निर्माण राजस्थान से मंगवाए गए लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है फ्रेंड। ये सामने आपको अब और देखने को मिल जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बड़ा सा मूर्ति, जो कि बहुत ही विशाल मूर्ति है। दोस्तों फ्रेंड्स आपको और भी मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंबेडकर को अपनी पढ़ाई और देश के लिए कई अहम कार्यों के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। यहाँ घूमने का असली मज़ा सर्दियों में है, हालांकि गर्मियों में भी शाम के समय पार्क का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ जलने वाली लाइटें और भी पार्क की खूबसूरती बढ़ा देती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए सामने कितना ही खूबसूरत फूल है दोस्तों, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये पार्क की और भी खूबसूरती बढ़ा देती है, देखने का नज़ारा ही बिल्कुल अलग रहता है। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं सामने है आपके नज़ारा। ये सामने बैठने के लिए जगह है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और सामने देखिए कितना ही खूबसूरत और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फूल लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। इस खूबसूरत फूल के साथ देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने ये खजूर का भी पेड़ लगाया गया है साथ में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। उसके अगल बगल देख रहे हैं, ये आपको वाइट वाइट पत्थर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन से सजाया गया है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सामने कितना लंबा बैठने के लिए डेस्क जैसा बनाया गया है पत्थर का, जो कि आप लोग वहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं फ्रेंड्स जब भी यहाँ पे आप लोग आते हैं तो। पार्क के अंदर बाईं ओर एक ऊंचा स्तंभ देखा जा सकता है, जो कि अशोक चक्र से मिलता जुलता है। एक चक्र और उसके चारों ओर हाथी बने हैं। स्तंभ एक चबूतरे पर बना हुआ है और बहुत ही ऊंचा और बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स। देख सकते हैं सामने बहुत ढेर सारे चबूतरे हैं और चबूतरे के ऊपर स्तंभ बहुत ऊँचा और बहुत बड़ा है। सब स्तंभ के ऊपर हाथी चारों तरफ से लगे हुए हैं, जैसे अशोक चक्र में शेर चारों ओर से लगा होता है। और यहाँ के पत्थर बिल्कुल शीशे जैसा चमकते हैं गर्मियों के दिनों में, देख सकते हैं कितना शानदार और कितना साफ सफाई है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक भी कोई भी कचरा नहीं है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी कारीगरी द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और सामने यह झरना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं झरना पार्क की और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाती है, और पार्क को कोई भी देखने आता है तो इसको अपने तरफ आकर्षित करता है फ्रेंड्स। इस पार्क की नींव वर्ष 1995 में रखी गई थी, जबकि पहली बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है, और स्मृति चिन्ह के रूप में पार्क के अंदर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। शुरू में इस पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क हुआ करता था, फिर 1997 ईस्वी में पार्क का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क मेमोरियल रख दिया गया फ्रेंड्स। इसका निर्माण वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा किया गया था। पार्क में कुर्सी पर बैठे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक विशाल काय संरचना है, जिसकी ऊंचाई 125 फीट है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क का निर्माण राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। यह पार्क का कुल 107 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पार्क में 124 स्मारकी हाथी भी हैं फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं सामने कुछ लगता है टूट फूट गया है, तो सामने मजदूर वहाँ पे अपना उसको सही कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, और आपको ये सामने देखने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा मूर्ति, उसके बगल में है पार्क का बहुत ही खूबसूरत नक्शा, उसके बगल में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ही बड़ा मूर्ति है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस पार्क में आप अन्य पार्कों की तरह पेड़ पौधे नहीं बल्कि कई कलाकृतियों और स्मारक को देखने को मिलेगा आपको। यूं तो पार्क में सभी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वह है यहाँ पर पत्थर से बने 40 हाथियाँ। इन हाथियों की कीमत भी करीब 40 लाख रुपए है फ्रेंड्स। इस पार्क का निर्माण अधिकतर लाल बलुआ पत्थर से हुआ है जो कि राजस्थान में मंगवाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस पार्क का बनाने में कुल 700 करोड़ रुपए लगे हैं फ्रेंड्स। ये गौतम बुद्ध स्थल है जो कि बहुत ही पाक स्थल माना जाता है फ्रेंड्स, और हमारे सामने भगवान बुद्ध का मूर्ति है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में नेपाल में हुआ था फ्रेंड्स। इनका मूर्ति देखिए कितना खूबसूरत और वाइट संगमरमर से बनाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इसमें कारीगरी की गई फ्रेंड्स। इनका मूर्ति देखिए कितना वाइट चमक रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। हम चारों तरफ से आपको मूर्ति दिखाएंगे, ये रहा चारों तरफ से आपको मूर्ति हम दिखा दिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।